अगर कोई इंसान कूड़ा कचरा बीनते दिखे तो हम सोचते हैं कि यह गरीब व असहाय होगा, तभी यह काम करता है। अगर कचरा बीनने वाला आदमी फराटेदार अंग्रेजी बोलता हो तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी डोंगरगढ़ से हमारे सामने आया है, जहां 62 वर्षीय सुंदर सिंह चौहान मूल निवासी ग्वालियर का रहने वाला है और उसने BSc की पढ़ाई की है, उसके बाद भी कूड़ा कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बाद भी कचरों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जो BSc की पढ़ाई करने के बाद आज शहर के कचरों के ढेर में अपना पेट भर रहा है। चौंकिए मत, हम बिल्कुल वही बता रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला के रहने वाले सुंदर सिंह चौहान लगभग 25 वर्ष पहले अपना घर छोड़ चुके हैं और 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ में रहकर अलग अलग जगहों पर कचरा बीनने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP एवं मध्य के कुछ अधिकारी उनके स्कूल के दोस्त थे, दुर्ग जिले के निगम में सफाई मित्र के रूप में सेवा दे चुके हैं। कचरा बीनने वालों को दुर्ग के तत्कालीन कलेक्टर व आयुक्त ने प्रमाण पत्र भी दिया था, जिसमें सुंदर सिंह चौहान का नाम भी शामिल है, लेकिन आगे कोई काम नहीं मिला। अब वे रजनांदगांव जिले डोंगरगढ़ में रहकर कचरों के ढेर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और उसके बाद रेलवे स्टेशन में अपना बोरिया बिस्तर लेकर रात गुजारते हैं और फिर सुबह अपना काम शुरू कर देते हैं। कचरा चुनने का, कचरों के ढेर में जो कबाड़ मिलता है उससे बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे वह अपना पेट भरता है और बचे हुए पैसों को गरीब बच्चों में बांट देता है। जब समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता ने सुंदर सिंह चौहान से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैम, माय नेम इज सुंदर सिंह चौहान फ्रॉम ग्वालियर भिंड मुरैना एंड आई एम पास्ट क्रिकेटर एंड आई एम पास्ट टीचर एंड माय मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड मध्य प्रदेश पास्ट 2 DGP, फर्स्ट अयोध्यानाथ पाठक एंड सेकेंड स्वराजपुरी माई फ्रेंड एंड छत्तीसगढ़ पास्ट DGP मिस्टर रामनिवास यादव माई बेस्ट फ्रेंड। योर बेस्ट फ्रेंड मिस्टर रामनिवास यादव? यस। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स? डिसमिस प्रेजेंट टाइम माई पर्सनल सब्जेक्ट। अच्छा, दिस इज योर पर्सनल सब्जेक्ट है? यस यस। एंड हाउ मेनी टाइम and long time you have come in Dongargarh? Long time, present time I am lived from Sagar and Shahdol, Madhya Pradesh. Achha. And you have stick this bits of paper from here? Yes, yes. This my hobby before 10 years. Only 10 years. Hobby means डायलॉग देश खून में पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत हराम की है ये किस काम की, खा लो कसम इसे हाथ न लगाएंगे। एंड हाउ मेनी मनी यू हैव अर्न फ्रॉम दिस मनी? फर्स्ट कबाड़ा कलेक्शन आफ्टर सेल आफ्टर एनी टाइम एंजॉय एंड एनी टाइम हैप्पी, दैट्स ऑल। अच्छा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? प्रेजेंट टाइम यस, ऑल इंडिया PM प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी, दैट इज राइट सर? यस राइट। एंड विच इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इन प्रेजेंट? प्रेजेंट टाइम दिस प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल, दैट इज राइट सर? यस यस एक्चुअली राइट। एंड यू नो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एट प्रेजेंट? प्रेजेंट टाइम उद्धव ठाकरे, दैट इज राइट सर? यस राइट राइट। You have to go Durg Nagar Nigam? Yes, sir. And Safai Mitra. They were call you about the cleaning of? No, sir, no. My Aadhaar card complete Durg Nagar Nigam, yes. And Nagar Nigam Ayukt and Collector.
थ्रो माय आधार कार्ड कंप्लीट आफ्टर आफ्टर प्रेजेंट टाइम आयुक्त सफाई मित्र के रूप में भी ड्रेस 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 गिफ्ट ड्रेस गिफ्ट नगर निगम साइड ड्रेस बैक साइड नेम सफाई मित्र एंड नगर निगम डिपार्टमेंट दुर्ग छत्तीसगढ़. So you have why you have not to go Durga? Present time I am to my very very my item very heavy this I am going to next day. If government has given you any work, so you should which type of work you should do? If government has given you to the work, first time job gift after I am. Adjust otherwise negative after. हाँ सर बताइए. हमारे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है. शासकीय एजेंसियाँ शासकीय विभागों के द्वारा शिक्षा के प्रसार में अधिक तन्मयता के साथ काम किया जा रहा है. टैलेंट की कमी नहीं है. लोगों में कई प्रकार के गुण हैं. उन्हें ढूंढना तलाशना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. आज हम देखते हैं कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन फिर भी उन वर्गों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है जिससे ये वर्ग वंचित है. आवश्यकता इस बात की है कि हम सब का एक सामाजिक दायित्व है. इस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हमें ऐसे टैलेंट को ढूंढना परखना और उन्हें सही मार्गदर्शन देकर के योजनाओं से जोड़ना ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, शासकीय योजनाओं का वो लाभ ले सकें. और ऐसे व्यक्ति बड़ी तादाद में है. कई प्रतिभाएं छुपी हुई है. उन प्रतिभाओं को हम इस तरीके से सामने ला कर के एक व्यक्ति के साथ साथ उस पूरे परिवार का भी हम विकास कर सकते हैं. जवान जी अभी आपने देखा आपके सामने वो कचरा उठा रहा था. वो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है तो उसके बारे में बताएं जी. सुंदर सिंह बहुत अच्छा व्यक्ति. उनके जो ज्ञान है और प्रतिभा जो है वर्तमान में अभी मीडिया के माध्यम से जनता के सामने है. और वो सीनियर सिटीजन हो के हमारे समाज हमारे गाँव शहर जिला अपने देश के लिए सोच रहे हैं और उनके जैसे प्रतिभावान व्यक्ति आज कचरा साफ कर रहे हैं. और हम इससे जनता को आम नागरिक को सोचना चाहिए. वो बुजुर्ग आदमी हो के हमारे देश के प्रति गांव के प्रति सजग और स्वच्छ बनाने में आगे है. हम शासन से मांग करते हैं हमारे सरकार से केंद्र सरकार से राज्य सरकार से कि उन जैसे आदमियों को सामने लाए और बड़े बड़े अपन ब्रांड एम्बेसडर बनाए. बड़े बड़े कंपनी स्वच्छता में अपन स्वच्छता में ब्रांड एम्बेसडर बनाए और उनसे लोगों को आगे सीखने को मिलेगा कि उन जैसे आदमी अपने बोलचाल अपने ज्ञान प्रतिभा से पढ़ाई हुनर से वो काम कर सकते हैं तो हम आम जनता क्यों नहीं कर सकते. BSc किया हुआ सुंदर सिंह चौहान आज कचरा बिन रहे चुन रहे उसके बारे में बताएं. सुंदर सिंह चौहान मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना के रहने वाला है और काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है और यहाँ जो छत्तीसगढ़ में DGP थे उनके दोस्त थे. बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि इतना पढ़ा लिखा आदमी आज आखिर कचरा क्यों बिन रहे कचरा बिनकर जीवन यापन कर रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसको ठेस पहुंचा होगा किसी चीज़ से. सरकार को राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इनको जो स्वच्छता अभियान है उसका जिले स्तर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए. वैसे हम बहुत जल्दी उनको कलेक्टर साहब पास ले जाने वाले हैं. JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।